फ्रेंड्स, इंडिवल 2021 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम 18 अप्रैल को है, उस कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी का दो डाउट क्लियर करने वाला हूँ। एक, एडमिट कार्ड कब आएंगे, और आप सभी का एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकता है क्या। ठीक है, पोस्टपोन मतलब कि स्थगित भी हो सकता है एग्ज़ाम। क्या रीज़न है इसके पीछे का, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊँगा। आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के पास शेयर जरूर कर देना, जिससे कि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। सेकंड थिंग कि आप सब अभी तक लाइक नहीं किए हो वीडियो को, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी के लिए लाते रहूँगा, एजुकेशन से रिलेटेड और जॉब रिगार्डिंग, तो मैं लाते ही रहता हूँ वीडियो को। जो भी नोटिफिकेशन आएगी आप सभी के लिए मैं लाऊँगा सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से। तो एनडीवल 2021 का जो एग्ज़ाम है हम लोग का, वो 18 अप्रैल को है। ठीक है, 18 अप्रैल 2021 को हम लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ। एडमिट कार्ड तब भी आएगा जब आप सभी का एग्ज़ाम 18 अप्रैल को होगा। आप सभी को पता होगा कि MPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसका एग्ज़ाम मज 3 डेज पहले, यानी बिफोर 3 डेज एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोविड 19, क्योंकि कोविड 19 का प्रकोप बहुत सारे ऐसे जोन है इंडिया के अंदर जहाँ पे कोविड 19 धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो अभी पोस्टपोन हो सकते हैं। भगवान करे ऐसा ना हो हम सभी का। ठीक है, बिकॉज हम सभी प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर भी LDA World 2021 जैसे LDA World 20 का एग्ज़ाम हुआ था, सेम वैसे ही हो सकता है, बट ऐसा हमें नहीं लगता कि होगा। भगवान करे ऐसा हो भी ना, आप सभी निश्चित होकर के प्रिपरेशन करना, इसको माइंड में रखना। बहुत सारे ऐसे अब फ्रेंड्स थे जो कमेंट किए, तो मैंने कहा कि एक सेपरेट वीडियो आप सभी को बना कर देता हूँ। तो ऐसी कुछ बात नहीं है, आप सब प्रिपरेशन करते रहना। LDA World 2021 एग्जाम आप सभी के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, आप सभी का 32-35 डेज बचा हुआ है, उसी बीच में आप सभी को अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या अभी तक आप कर चुके हो, उसके बाद क्या करना है, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को बताऊंगा। उससे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि आप सभी का एडमिट कार्ड कब आएगा। तो आप सभी का जो एडमिट कार्ड है LDA World 2021 का, उसका एडमिट कार्ड आप सभी का लास्ट वीक ऑफ मार्च। ठीक है, मार्च का लास्ट वीक, अपने जो मार्च है लास्ट वीक 25, मान के चलो कि 25 मार्च के बाद आप सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, मे बी हाँ 25 मार्च के बाद आप सभी का एडमिट कार्ड श्योर आ जाना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई डिले होती भी है तो 1 वीक ऑफ अप्रैल में आप सभी का एडमिट कार्ड, यानी कि 5 से 6 अप्रैल के बीच में मैक्सिमम आप सभी का एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। जब एडमिट कार्ड आएगा मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा, इसको माइंड में लेकर के मत चलना। ठीक है, बस आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किए रखना, जब भी एडमिट कार्ड आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं बता दूंगा, आप सभी डाउनलोड कर लेना। और नेक्स्ट बात आती है कि प्रिपरेशन अब कैसे करें। जो कैंडिडेट बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं किया है उसे तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, बिकॉज वो तो अपना टाइम वास्ट कर देगी। जो कैंडिडेट थोड़ा मोड़ा प्रिपरेशन किए, कुछ प्रिपरेशन किए हुए हैं, जिनका मैथ का स्ट्रोक है, अच्छा खासा मैथ में पकड़ है उनका, और उसके अलावा जो सब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ तो पढ़े हुए, जो 12th पास या 12th अफेयरिंग कैंडिडेट है, तो आपको मैं बस एक ही बात बताऊंगा कि जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, जितना हो सके मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। पर डे 2-3 सेट, तो 2 सेट तो कम से कम लगाना ही पड़ेगा आप सभी को। और सेकेंड थिंग कि आप सभी को जो भी पढ़ा है आपने, जो भी पढ़ा है चाहे थोड़ा ही क्यों ना पढ़ाओ, जितना ही पढ़ाओ आप सब, उसी को सिर्फ रिविजन करना है। अब नया पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है MPSC में थोड़ा हाई लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो आते हैं, उतना हाई नहीं होते हैं बट वो आते हैं, क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आप सभी को कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी का जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही बेहतर होना चाहिए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिविजन ही आप सभी का काम आएगा। ठीक है, जितना पढ़ा है आप लोग उसको रिविजन कर डालो, जितना हो सके उतना रिविजन करो इस 30 डेज में। ठीक है, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो क्या सीख मिला इस वीडियो से आप सभी को, अगर कुछ भी आप सभी को नॉलेज मिला हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ जाकर के यार लाइक कर देना और शेयर तो करना बनता है, अपना भाई का चैनल है। ठीक है, अभी मेरा तबीयत उतना सही नहीं, बोल भी नहीं पा रहा हूँ, बट वीडियो आप सभी के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, बीच में कुछ दिन मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो आप सभी के लिए, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी NDA SSR एयरफोर्स और नेवी और इंडियन आर्मी या जो भी अदर गवर्नमेंट जॉब होती है 10th और 12th पास वालों के लिए, सबका अपडेट मैं आप सभी को देते रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही रहने देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।